विराट अनुष्का लव स्टोरी की 10 इंटरेस्टिंग बातें जो आप नहीं जानते। नंबर 1, कहा जाता है कि विराट और अनुष्का एक शैम्पू के प्रमोशन के दौरान मिले और वहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई, पर यह बात पूरी तरह से सच नहीं है क्योंकि अनुष्का और विराट की मुलाकात रणवीर सिंह की वजह से हुई थी। रणवीर ने ही दोनों को एक पार्टी में इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद से ही दोनों को शैम्पू कमर्शियल के लिए साइन किया गया था। नंबर 2, जब विराट नए नए लाइमलाइट में आए थे तो उनके काफी अफेयर्स के बारे में सुनने को मिलता था और उनके एटीट्यूड की वजह से उन्हें टीम से भी ड्रॉप किया गया था। ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में विराट ने बताया कि अनुष्का की लाइफ में आते ही वो बहुत डिसिप्लिन हो गए। अनुष्का ही थी जिन्होंने उन्हें रियलाइज करवाया कि उनकी रियल वर्थ क्या है, उनकी रियल वर्ल्ड भी क्या है। शायद इसीलिए विराट अनुष्का को अपना लेडी लक मानते हैं। नंबर 3, 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी, उस मैच में कोहली जल्दी आउट हो गए थे और इस चीज का सारा क्रिटिसिज्म अनुष्का पर आ गया क्योंकि कुछ न्यूज चैनल्स का मानना था कि अनुष्का विराट के लिए बैड लक हैं। इस बात को इतना सेंसेशनलाइज किया गया कि लोग विराट और अनुष्का के मीम्स बनाने लगे और बिना किसी लॉजिक के डिबेट शुरू हो गई। फिर विराट जब ऑस्ट्रेलिया से वापस इंडिया आए तो सबने देखा कि कैसे उन्होंने अनुष्का का हाथ पकड़ा हुआ था और बिना किसी मीडिया पर्सन की तरफ देखे वहां से चले गए। इस स्टैंड से सबको एक इंस्टेंट और स्पॉट मैसेज मिला कि दोनों एक साथ बहुत कंपैटिबल हैं। नंबर 4, जब 2016 में दोनों के ब्रेकअप की खबर आई तो विराट उस वक्त T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे और काफी अच्छी फॉर्म में थे, पर इस चीज को भी सेंसेशनलाइज किया गया क्योंकि ऐसी खबर आ रही थी कि अनुष्का से ब्रेकअप करने के बाद ही विराट कोहली सामने आ गए थे। इस बात से विराट बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुए और उन्होंने एक दिन सोशल मीडिया पर अनुष्का के सपोर्ट में ये लिखा कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अनुष्का के नेगेटिव बातें करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे क्रिकेट से अनुष्का का क्या लेना देना है। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, बेटर क्रिकेट खेलने के लिए कहा है। जो लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि कभी उनकी सिस्टर्स, गर्लफ्रेंड या वाइफ का ऐसे कोई पब्लिकली मजाक उड़ाए तो उन्हें कैसा लगेगा। नंबर 5, साल 2015 में आईपीएल मैच के दौरान बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में होने वाला मैच बारिश के कारण रुका था तो विराट को अनुष्का से बात करते हुए स्पॉट किया गया। इसी वजह से कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई क्योंकि मैच के दौरान कोई भी क्रिकेटर किसी आउटसाइडर से नहीं मिल सकता, तो इस वजह से विराट कोहली को ऑफिशियली माफी मांगनी पड़ी और फाइन भी भरना पड़ा। नंबर 6, विराट के पूरे करियर में उनका सबसे मुश्किल दौर रहा साल 2014 की इंग्लैंड सीरीज। वहां विराट 5 बड़े टेस्ट मैचों में 150 रन भी नहीं बना पाए। उस वक्त विराट बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे और ये चीज उनकी बैटिंग में भी साफ दिखाई दे रही थी। टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद अनुष्का विराट से मिलने आई और विराट का मानना है कि वो उनके करियर का बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, अगर अनुष्का ना होती तो मैं उस टूर पर और ज्यादा स्ट्रगल करता। फिर उसके बाद वनडे सीरीज में उन्होंने सेंचुरी लगाई और अगले टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ थी। उस सीरीज में विराट ने 4 सेंचुरीज अपने नाम की। नंबर 7, साल 2014 के आईपीएल सेरेमनी के दौरान जब शाहरुख खान होस्टिंग करते हुए यंग क्रिकेटर्स का मजाक में स्वयंवर करवा रहे थे तो जब विराट की बारी आई तो उनसे पूछा गया कि आप किस एक्ट्रेस के साथ शादी करना चाहेंगे।
तो उनका जवाब अनुष्का शर्मा ही था। और ये मोमेंट आईपीएल सेरेमनी का सबसे सेलिब्रिटी मोमेंट रहा। नंबर एक, जहीर खान विराट के करीबी हैं और विराट भी उन्हें अपना बिग ब्रदर मानते हैं। जहीर ही वो इंसान थे जिन्होंने विराट को रिलेशनशिप एडवाइस दी थी कि उन्हें अपने रिलेशनशिप को छुपाना नहीं चाहिए, और इसीलिए जहीर खान की वजह से ही विराट अनुष्का का रिलेशन पब्लिकली ओपन हुआ था, और ना ही कभी दोनों एक दूसरे के बारे में ज्यादा बात करते थे और ना ही कभी दोनों एक दूसरे के लिए डिसएग्री करते थे। नंबर 9, विराट और अनुष्का की वेडिंग से पहले कई रूमर्स स्प्रेड हो चुके थे कि दोनों इटली में शादी करने वाले हैं, क्योंकि अनुष्का ने भी अपनी शूटिंग से 2 वीक का ऑफ ले लिया था और विराट को भी 2 टेस्ट सीरीज के लिए रेस्ट पर भेज दिया गया था। इस बात की कंफर्मेशन तब हुई जब दोनों को अपनी फैमिलीज के साथ इटली की फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, और फिर क्या, वही हुआ। दोनों ने 11 दिसंबर को इटली में शादी कर ली, और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि वहां कोई भी मीडिया पर्सन अलाउड ही नहीं था, और दोनों ने सिर्फ अपने खास फैमिली मेंबर्स और फैंस के बीच अपनी शादी की बात सीक्रेट रखी। नंबर 10, विराट अनुष्का की वेडिंग फोटोज ऑनलाइन रिलीज की गई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि शायद ही कभी ऐसी वेडिंग फोटोज देखने को मिली हो। दोनों ने डिसाइड किया कि उनकी मैरिज फोटोज ऑक्शन की जाएंगी और उसका पैसा चैरिटी में दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताइए। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।